ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज हम इतना हार्डवर्क करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई हमारी स्टोरी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को अच्छी लगे. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड केमिस्ट्री विच वी शेयर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड प्लस ऑफ स्क्रीन ऑल्सो. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. ये मेरा पहला अवार्ड फंक्शन है जी टी वी के साथ, जी रिश्ते अवार्ड्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बचपन में मेरा एक सपना था कि मैं जी के साथ भी काम करूँ. मैंने वो जी हॉरर शो ऐसे देखे थे तो आई थिंक सबकॉन्शियसली तभी मेरे दिमाग में था कि भाई कभी ना कभी तो मैं काम करूँगा. फॉर्चुनेटली आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं इस बार मेरा जो शो है तेरे बिना जिया जाए ना वो जी के ऊपर लॉन्च हो रहा है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज हम इतना हार्डवर्क करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई हमारी स्टोरी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को अच्छी लगे. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि अंदर जाके क्या होने वाला है. अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है मैं किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ भी या नहीं, बट अंदर जाके पता चलेगा एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड. जी हाँ, ये देवराज सिंह राठौड़ का लुक है अगर आप देखना चाहें तो. ये मेरा वेलवेट का सूट है प्रॉपर और नीचे शूज़ भी हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है. और शिवानी शर्ली जो हमारी डिज़ाइनर है उन्होंने डिज़ाइन किया है स्पेशली. एंड देयर इज अ ब्रोच आल्सो एंड प्लस यू नो अ बो टाई, सो इट्स गिविंग मी अ वेरी रॉयल लुक. बहुत अच्छा है. आई थिंक शी इज बिन वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स ऑफ माइन. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड केमिस्ट्री विच वी शेयर ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड प्लस ऑफ स्क्रीन ऑल्सो. तो बहुत अच्छी रिलेटेबिलिटी होती है. बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करके. हमारे सीन्स बहुत ईजिली शूट हो जाते हैं एंड द डायरेक्टर इज ऑल्सो हैप्पी, एवरी वन इज हैप्पी. ओ नॉट प्लान्ड येट, अभी आई डोंट नो, इट्स टू सून टू डिसाइड, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे. आई जस्ट होप कि हमारे जो ई पी हमें टाइम दे दें कि हम प्लान कर सकें कुछ. या गाइज प्लीज़ डू वॉच जी रिश्ते अवार्ड्स एंड ऑल्सो आर शो तेरे बिना जिया जाए ना. और खूब सारा अच्छी तरह से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाइएगा ढंग से और सेफ रहिएगा. अपने आप को अच्छी तरह से रखिएगा, खुश रहिएगा हमेशा एंड जस्ट बी हैप्पी. Thank you.